पानीपत का करें तो सनौली इलाका बरसाती पानी से जलमग्न हुआ है। तो देखिए पानीपत भी जलभराव की समस्या से अछूता नहीं है, यहां का यह इलाका भी बरसाती पानी से जलमग्न है। सनौली वो इलाका जो पानी से यहां के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, 8 गांवों का आसपास से संपर्क टूट चुका है। देखिए जो पानी भरने की समस्या इस कदर की संपर्क ही टूट गया है, यानी कि मदद भी मुहैया कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह कि संपर्क जब टूटता है तो उसके की दिक्कतें सामने आती हैं, लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। ये देखिए यहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानीपत के सनौली की ये तस्वीरें हैं जहां पर संपर्क टूट चुका है और इसके बाद लोग किस कदर परेशान है। ये देखिए घरों के बाहर लोग निकले हुए हैं और देख रहे हैं कि किस कदर ये वही जगह है जहां पर वो लोग रोज निकलते थे और अपने काम के लिए जाया करते थे, मगर आज उन्हें अपने आप को उसी जगह पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। राहत की जो टीम है यानी एनडीआरएफ आर्मी के जवान है, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और उन्हें वहां से निकाला जाएगा। तो इस कदर से ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है जहां पर पानी की समस्या से पानीपत भी दो चार होता नजर आ रहा है। सनौली गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी की समस्या लगातार बरकरार है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बरसात हो रही है और बरसात के चलते ही पानीपत की यमुना नदी का तटबंध जो है वो दो जगह से टूट गया है और सनौली एरिया में जो है बाढ़ आ चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं यहां पर भी कई कई फुट पानी भर चुका है और ये एकमात्र सड़क बची है जो 8 से 10 गाँव को जोड़ती है। 8 से 10 गाँव के लोगों को यहीं से गुजरना पड़ता है क्योंकि जो दूसरे रास्ते हैं वो भी ब्लॉक हो चुके हैं और इन गाँव का संपर्क जो है वो टूट चुका है। यहाँ से एकमात्र रास्ता ये बचा है लेकिन यहाँ भी पानी है और लोगों को डर के साए में यहां से गुजरना पड़ता है क्योंकि पानी का बहाव आप तस्वीरों में देख सकते हो बहुत तेज है और वाहन जो बाइकें यहां से निकल रही हैं वो भी बीच में पानी के ही बंद हो जाती हैं। कहीं ना कहीं पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि स्कूल है, स्कूल के अंदर भी पानी जा चुका है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल है उसके अंदर भी वाहन आप देखिए कितना अधिक पानी जो है यहाँ पर जीटी रोड पर हो चुका है। लेकिन लोगों की मजबूरी है क्योंकि एकमात्र जो है 8 गाँवों को ये सड़क जोड़ती है और यही रास्ता जो है चलने लायक बचा है। यहाँ से भी लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि लोगों की कुछ मजबूरी है, किसी को दवाई लेने जाना है तो किसी को कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जाना है, इसलिए लोगों को यहां से गुजरना पड़ता है। पानीपत से सुमित भारद्वाज, सूर्य समाचार।